दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा बल्क कंज्यूमर समिट का आयोजन किया गया, जहां विधायक और एडीटीए के चेयरमैन तापस बैनर्जी और विधायक प्रदीप मजुमदार कंपनी के अधिकारी उपभोक्ताओं के साथ रूबरू हुए। उपभोक्ताओं को बिजली परिसेवा से जुड़ी तमाम जानकारी दी गई और बताया गया कि देश के दूसरे राज्यों में कोयला संकट के कारण पावर प्लांटों का उत्पादन प्रभावित हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोयला संकट का प्रभाव नहीं पड़ा। बुधवार को दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित एक होटल में पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के दुर्गापुर डिवीजन की तरफ से ब्लॉक कंज्यूमर समिट का आयोजन किया गया। ब्लॉक कंज्यूमर समिट में रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं एडीडीए के चेयरमैन तापस बैनर्जी, दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप मजुमदार के साथ ही पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकारी उपभोक्ताओं से रूबरू हुए। उन्होंने उपभोक्ताओं के सवालों के जवाब भी दिए और पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। विधायक और एडीडीए के चेयरमैन तापस बैनर्जी ने कहा कि पिछले दिनों देश के कई राज्यों में कोयला संकट उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण उन सभी राज्यों में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोयला संकट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि राज्य सरकार ने संभावित संकट को देखते हुए पहले से ही पावर प्लांटों में कोयला स्टॉक रखा गया था। राज्य में बिजली की जितनी डिमांड है उतना बिजली उत्पादन हो रहा है और बिजली की मांग के मुताबिक सप्लाई हो रही है। दुर्गापुर से साधन रुच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टिक एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा, रोटी चपाती पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा।